नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। युवा वर्ग के द्वारा रिलायंस मॉल हनुमानगढ़ जंक्शन में धरना लगाए हुए आज 15 दिन हो चुके हैं। इस युवा वर्ग के द्वारा किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए सभी रिलायंस के मॉल जो हनुमानगढ़ के अंदर चल रहे थे उनको लंबे समय से बंद करवाया हुआ है और अडानी वाणी के कारोबार को ठप कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर खास तौर पर चल रहा है। यहाँ एक और इनके धरने पर आज भीम आर्मी के सदस्यों ने आकर किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए इनके धरने में आज युवा वर्ग भीम आर्मी के सदस्य शामिल हुए हैं और उन्होंने युवा वर्ग के पीछे बैठकर नारेबाजी भी की और उन्होंने कहा कि हम इस धरने को पूरा समर्थन देते हैं और आने वाले समय में जब भी हमें किसी भी प्रकार की इस युवा वर्ग के धरने को ज़रूरत हो तो हम उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर हम इनके साथ किसान आंदोलन को लेकर चलेंगे और जो भी कार्यक्रम हमें दिए जाएंगे हम इनके साथ मिलकर उसको हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर तब तक चलाएंगे जब तक मोदी के द्वारा काले कानून को वापस नहीं लिया जाता है। आज हनुमानगढ़ में पधारे कृषि मंत्री को भी इन युवा वर्ग ने मिलकर एक ज्ञापन भी सौंपा है जो कि राष्ट्रपति के नाम दिया गया है और काले कानून को वापस लेने के लिए इन्होंने निवेदन किया है और ज्ञापन के अंदर कहा गया है कि जब तक मोदी के द्वारा तीनों कृषि अध्यादेश को वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम अडानी अंबानी के जितने भी कारोबार है उसको चलने नहीं देंगे, उसे हम ठप रखेंगे। हमारी एक ही मांग है कि काले कानून को वापस लिया जाए। युवा किसान नेता का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज जी साढ़े धर्म मैनू 15वां दिन हो गया जी, बड़ी रब की मेहरबानी सब कुछ सही चल रहा जी। अज सानू भीम आर्मी ने सपोर्ट किया है, वीर चल के आए है, ठीक है। तो उदू बाद जी अज प्रोग्राम सीगा जी, गुलाब सिंह कटारिया जी आए थे जी, उन्होंने असी राष्ट्रपति के नाँ प्रधानमंत्री के नाँ ज्ञापन दिता है जी कि इन्हों के जल्द तो जल्द कार्रवाई की जाए। जोड़े MSP है जो उन्होंने सानू लिखित प्रूफ शुदा सानू दिता जाए, इनू रद्द किया जाए जी। तो होर भी भरा सारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी जाते जी, सारे आपके घर के इन्नी ठंड के थोड़ा थोड़ा सहयोग करा तो आप उन्होंने वास्ते अपने जोड़े भरा दिल्ली के बैठे आ आप उत्थे तो नहीं जा सकते, तो उन्होंने वास्ते आप कुछ कर सकते अपने अपने स्तर पर ही आप कुछ कर सकते। तो सारे बेनती है जी, सारे जने आके घर के काम नवे को घंटा घंटा साढ़े नाल लवाओ जी। उदू बाद जी अज भीम आर्मी के बहुत वधिया प्रोग्राम होया जी, इन्होंने 40-50 समर्थक आए जी साढ़े नाल, हजे तो ही बैठे है, इन्होंने सानू समर्थन दिता है। उदू बाद जी कल बार संघ अध्यक्ष जी आए थे जी, उन्होंने भी समर्थन दिता। होर भी पिंडां दे विचों जिन्ना भी सहयोग हुंदा है, मुंडे सारे बजुर्ग सारे साढ़े नाल आके साडा सहयोग करी जांदे है, तो प्रोग्राम बहुत वधिया चली जांदा। अज 15वां दिन हो गया जी धरने नूं। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि किसान जथेबंदियों के साथ केंद्र सरकार की 30 दिसंबर यानी कल 30 दिसंबर को 2 बजे वार्ता होने जा रही है। देखते हैं कि इस वार्ता के अंदर जैसा कि किसान जथेबंदियों ने अपना प्रतिवेदन दिया हुआ है, अपना पत्र दिया हुआ है कि कृषि कानून को वापस लेने तक हम जो है दिल्ली से डेरा नहीं उठाएंगे। अब देखना होगा कल की वार्ता में केंद्र सरकार और किसानों के बीच में क्या कोई सहमति बनती है जहाँ इसी प्रकार कड़कड़ाती ठंड में किसानों को और लंबे समय तक यहाँ एक और दिल्ली में बैठना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में किसान आंदोलन जो खड़ा हो चुका है वह क्या लंबे समय तक चलता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।